गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। कल हमने आपको इकाई 4 में कुछ परिभाषाएं बताई थी वीडियो 1 में। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम बताने जा रहे हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें पहला है क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। क्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी वस्तु की बाजार मांग को कोई एक व्यक्ति क्रेता प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरह विक्रेताओं की संख्या भी इतनी अधिक होती है कि एक व्यक्ति विक्रेता बाजार पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरा है एक समान या समरूप वस्तु। पूर्ण स्पर्धी बाजार में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तुएँ बेचती है। वस्तु इतनी समरूप होती है कि कोई क्रेता दो भिन्न विक्रेताओं की वस्तु में भेद नहीं कर सकता है। ऐसे में वो किसी व्यक्तिगत विक्रेता की वस्तु के लिए अपनी प्राथमिकता को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता। ऐसे में विभिन्न फर्मों की वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापक बन जाती हैं। बहुत संख्या में क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति तथा वस्तु के रूबरू होने का निहितार्थ क्या है? कोई भी व्यक्तिगत क्रेता अपनी मांग को परिवर्तित करके वस्तु की बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति विक्रेता अपनी पूर्ति को प्रभावित करके वस्तु की बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। अतः किसी भी व्यक्तिगत क्रेता या व्यक्तिगत विक्रेता को बाजार कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसे में एक व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता के लिए कीमत स्थिर हो जाती है। फिर आगे देखिए इसमें कि ग्राफ बना हुआ है ना, दो ग्राफ बने हुए हैं चित्र में। बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति है ना, एक दूसरे को बिंदु ई पर काट रहे हैं। देखिए मांग वाला जो है MD ग्राफ है, मांग डिमांड मतलब मांग है ना, और सप्लाई का मतलब पूर्ति, तो MS ग्राफ है। तो दोनों एक दूसरे को ई पर काटते हैं। तदनुसार बाजार कीमत OP पर निर्धारित होती है। देखिए मूल बिंदु O से लेके P तक की दूरी जो है वो कीमत है। इस कीमत पर एक व्यक्तिगत विक्रेता जितनी मात्रा चाहे बेच सकता है। दूसरा, जब वस्तु समरूप होती है तब फर्म की का कीमत पर आंशिक नियंत्रण भी नहीं होता। किसी भी फर्म के उत्पाद के पूर्ण प्रतिस्थापक बाजार में उपलब्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में बिक्री लागत करना अर्थहीन हो जाता है। अतः पूर्ण स्पर्धी बाजार में बिक्री लागतें खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, पूर्ण ज्ञान क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमत की पूर्ण जानकारी होती है। वे ये भी जानते हैं कि समरूप वस्तु बेची जा रही है। ऐसे में क्रेता बाजार कीमत से अधिक कीमत देने को तैयार नहीं होंगे तथा विक्रेता को बिक्री लागतें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फिर निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन है ना, तो इसमें क्या है कि प्रवेश और बहिर्गमन मतलब बाजार में प्रवेश करना और बाजार से निकलना। कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए स्वतंत्र होती है। किसी भी फर्म के प्रवेश करने या छोड़ने पर किसी प्रकार के कानूनी, सरकारी या कृत्रिम रुकावट नहीं होती है। अधिक लाभ से प्रभावित होकर नई फर्में बाजार में प्रवेश कर सकती हैं और यदि किसी फर्म को हानि हो रही है तो बाजार छोड़ सकती है। अतः सभी फर्में केवल सामान्य लाभ कमा पाती हैं। निहितार्थ इसका अर्थ ये है कि अल्पकाल में कोई भी फर्म तीन स्थितियों में हो सकती है। पहला सामान्य लाभ की स्थिति में, दूसरा असामान्य लाभ, तीसरा हानि। परंतु दीर्घकाल में कोई भी फर्म समान लाभ से अधिक लाभ नहीं कमा सकती है। तो इसके आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण स्पर्धी बाजार में वस्तुएं और उत्पादन के साधन बिना रोक टोक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। कोई भी उत्पादन के साधन स्वतंत्र रूप से एक फर्म से दूसरी फर्म में स्थानांतरित हो सकता है। परिवहन लागत का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता किसी भी फर्म से वस्तु खरीदे उसे परिवहन लागत खर्च नहीं करनी पड़ेगी। फिर है स्वतंत्र निर्णय लेना। विभिन्न फर्मों के बीच उत्पादित की जाने वाली मात्रा के लिए या ली जाने वाली कीमत के संदर्भ में कोई समझौता नहीं होता। इस बाजार में अन्य किसी बाजार की तुलना में अधिकतम उत्पादन तथा न्यूनतम कीमत होती है। फिर बाजार संतुलन के निर्धारक तत्व क्या हैं?
बाजार संतुलन से तात्पर्य उस स्थिति से है जब एक विशेष कीमत पर बाजार में मांगी हुई मात्रा पूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। बाजार मांग वक्र मांग के नियम के अनुसार बाईं से दाईं नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर अधिपति अधिपूर्ण ढलान वाला होता है। मांग वाला डीडी ग्राफ देखिए, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की तरफ नीचे गिर रहा है, क्योंकि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। अधिमांग अतः दिए गए चित्र में मांग पीडी एक नीचे ढलान वाला वक्र है, पूर्ति वक्र ये पीडी गलत छप गया, डीडी है ये, है ना, डीडी एक नीचे की ढलान वाला वक्र है और पूर्ति वक्र एसएस एक ऊपर की ढलान वाला वक्र है जो बाएं से दाएं ऊपर उठता है। जहां डीडी और एसएस एक दूसरे को काटते हैं वहां पर बाजार संतुलन में होता है। इस बिंदु पर डीएन बराबर एसएन होता है, इस बिंदु के अनुसार डीएन बराबर एसएन मतलब मांग बराबर पूर्ति होती है। इस बिंदु के अनुरूप संतुलन कीमत ओपी तथा संतुलन मात्रा पर निर्धारित हो जाती है। यदि बाजार कीमत ओपी से कम होगी तो बाजार में अधिमांग होगी, ओपी से क्या है, ओपी से कम होगी मतलब पी जीरो पर आई है तो अधिमांग होगी, और अगर बाजार कीमत जो है ओपी से ज़्यादा होगी मतलब पी वन पर जाइए तो अधिपूर्ति होगी, है ना। तो अधिपूर्ति आपको ग्राफ दिखाया गया है पी वन से लेके एस ग्राफ पे जहाँ से काट रहा है, तो उसमें डी वाले ग्राफ से लेके एस वाले ग्राफ के बीच की दूरी अधिपूर्ति कहलाती है। नेक्स्ट है बाजार संतुलन में खिसकने से मांग और पूर्ति पे क्या असर होता है, तो उसमें है उपभोक्ता की आय में वृद्धि, एक है सामान्य वस्तु के लिए और दूसरी है निम्न कोटि की वस्तु के लिए। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है और तदनुसार संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा भी बढ़ जाती है। चित्र में देखिए मात्रा और कीमत का ग्राफ, मात्रा ओ एक्स पे है और कीमत ओ वाई पे है और डीडी जो है मांग ग्राफ है, तो उसमें आय बढ़ने पर क्या होता है, मांग भी बढ़ जाती है, तो डीडी ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर की ओर खिसक जाता है, तो इसकी कीमत भी बढ़ जाती है मतलब ओपी से ओपी वन हो जाती है। और कीमत कहाँ निर्धारित होती है, पहले ई पे थी जहाँ पे पूर्ति वक्र डीडी को काट रहा था, अब पूर्ति वक्र जो है एसएस डी वन को ई वन पे काट रहा है, तो अब नई कीमत निर्धारित हो जाएगी ओपी वन। निम्न कोटि की वस्तु के लिए उपभोक्ता की आय बढ़ने पर निम्न कोटि वस्तु की मांग घटती है और तदनुसार संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा भी घटती है। तो यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ डीडी और एसएस एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। जब वस्तु निम्न कोटि की होती है तो मांग कम हो जाती है और ग्राफ ऊपर से नीचे, यानी आप ये कह सकते हैं दाएं से बाएं की तरफ नीचे की तरफ आ जाता है। तो पहले उसकी कीमत ओपी थी और निम्न कोटि की वस्तु होने से अब नई कीमत ओपी जीरो के बराबर होती है और नया प्रतिच्छेद बिंदु ई जीरो है जो डी जीरो और एसएस को ई जीरो पर काटता है। तो ई जीरो पी जीरो जो है एक सीधी रेखा है, तो नई कीमत ओपी जीरो होगी। तो बच्चों आज हम आपको इस लेसन में वीडियो 2 में इतना ही पढ़ाएंगे, इसके आगे कल वीडियो 3 में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज पढ़ाया है इसको भी आप मेन चीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।